साथियों, जम्मू कश्मीर अब देश के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ा है। कोरोना को लेकर भी जिस तरह राज्य में काम हुआ है वो प्रशंसनीय है। मुझे लगता बताया गया है कि 3000 से ज्यादा डॉक्टर, 14000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता दिन रात जुटे रहे और अब भी जुटे हुए हैं। आपने बहुत ही कम समय में राज्य के अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए भी तैयार किया। ऐसे ही इंतजाम के कारण कोरोना के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचाने में हम कामयाब रहे हैं। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर पर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में 1100 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य है। इसमें से 800 से ज्यादा पर काम पूरा हो चुका है। जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम दामों में मिल रही दवाइयां और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया है। जम्मू और श्रीनगर डिवीजन में दोनों जगह दो कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाए जा रहे हैं। दो एम्स का काम भी तेजी से चल रहा है। नौजवानों को मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में ही ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए भी काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें एमबीबीएस की सीटें दोगुनी से भी ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा जिन 15 नए नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है उनसे युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा जम्मू में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना भी यहां के नौजवानों को हायर एजुकेशन के बेहतर मौके उपलब्ध कराएगी। राज्य में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ाने के लिए जो परियोजनाएं शुरू हुई है वो यहां के टैलेंट को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाने में मदद करेगी। भाई और बहनों, हेल्थ के साथ ही दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं भी नए जम्मू कश्मीर के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 साल में इसको लेकर कैसे तेजी आई है इसका एक बेहतरीन उदाहरण हाइड्रो पावर है। 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में 3500 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी तैयार हुई थी। बीते 2-3 साल में ही इसमें 3000 मेगावाट कैपेसिटी हमने और जोड़ दी है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स भी अब काम बहुत तेजी से हो रहा है। खासतौर पर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी हैं और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी होगी। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में बेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। जम्मू और श्रीनगर में लाइट से रेल ट्रांजिट मेट्रो को लेकर भी बात आगे बढ़ रही है। बनिहाल टनल को भी अगले साल तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में जो सेमी रिंग रोड का काम चल रहा है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने में सरकार जुटी हुई है।